हेलो एवरीवन गाइस, आज का ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। गाइस, हमारे पास एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट ने कहा क्वेश्चन में कि सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती है लेकिन मैं आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है और तुम आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो तो यार तुम बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखो, जो तुम्हारा पेपर होता है आईआईटी जेई का, उसमें तुमको ऑप्शन मिलता है कि तुम पेपर किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। तुम हिंदी में देना चाहते हो या फिर तुम इंग्लिश में देना चाहते हो। तो यार, तुमको अगर पेपर हिंदी में देना है तो तुम हिंदी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना, तो तुम्हारा जो पेपर होगा वो हिंदी में आएगा। तो देखो, ये तो बात होगी कि भाई पेपर तुम हिंदी में दे पाओगे, तुमको अगर इंग्लिश नहीं आती तो तुमको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन देखो, इस जगह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तुम अपना ये एग्ज़ाम दोगे और अगर तुम्हारा एग्ज़ाम देने का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद की जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारी इंग्लिश में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आगे की प्रिपरेशन इंग्लिश में है, तो डैट मीन्स अगर हम आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें सीखना इंग्लिश, तो हम जब तक उस कॉलेज में पहुँचेंगे तब तक हम सीख जाएंगे कि इंग्लिश को कैसे कहाँ कैसे यूज करना है। जैसे जो तुम्हारे हिंदी के टर्म्स होते हैं, जैसे फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं, फिजिक्स में तुम्हारा जैसे होता है बल, बल को तुम फोर्स कहते हो, तुम हिंदी में कहते हो त्वरण, इंग्लिश में तुम कहते हो एक्सीलरेशन। इसी तरीके से तुम हिंदी में कहते हो संवेग, इंग्लिश में तुम कहते हो मोमेंटम। तो ये जो तुम्हारे टर्म्स हैं, एटलीस्ट तुमको एक कन्वर्जन आना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, तुम हिंदी वाले सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में फ्रेम करोगे, तो ये सब चीज़ें तुमको क्या थोड़ा थोड़ा क्या सीखते रहना चाहिए, जिससे कि जब जो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो तुम उस एग्ज़ाम में आगे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो जब जैसे तुम्हारा मान लो सिलेक्शन हो गया फॉर द आईआईटी हो गया या फॉर द तुम्हारा एनआईटी हो गया, तो यार तुमको फिर आगे जो तुम्हारी प्रेपरेशन होगी बीटेक की, तो उस प्रेपरेशन में तुमको इंग्लिश आना क्या जरूरी है। तो इसलिए तुम अगर आज से स्टार्ट करोगे थोड़ा थोड़ा सीखना, तो तुम सीख जाओगे। और देखो, जब तुम प्रिपरेशन के लिए आईआईटी जेई की तैयारी के लिए कोचिंग में जाते हो, तो देखो कोचिंग वाले भी आपको क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स कंटेंट पढ़ाते हैं। मतलब चीज़ों को आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हिंदी में समझा देते हैं, कई बार हिंदी में प्रोवाइड कर देते हैं, हिंदी में समझा देते हैं। तो मतलब वो भी आपको क्या है, मिक्स कंटेंट को लेकर चलते हैं, जिससे कि आपका जो लेवल है वो क्या है, इम्प्रूव हो सके और तुम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो देखो, तुमको क्या करना है, तुमको आज ही से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करना स्टार्ट करना है, जिससे कि तुम जो एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो वो एग्ज़ाम तुम्हारा काफ़ी अच्छे से तुम आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाओ। और देखो, तुम्हारी जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है, इस पर तुमको देखो वर्क तो करना पड़ेगा। अगर तुम वर्क नहीं करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो यार बिना मेहनत के सब कुछ हो जाए, तो यार देखो बिना मेहनत के सब कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम एग्ज़ाम तो दे पाओगे लेकिन आगे की प्रिपरेशन तुम्हारी इंग्लिश में होगी, ये भी चीज़ अपने माइंड में रखना। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है, अपने जैसे जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जेई के एग्ज़ाम होते हैं, जब वो क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो बिल्कुल बेकार होते हैं इंग्लिश में। तो यार देखो, उन बच्चों को पेपर लिखने में क्या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कई बार कुछ बच्चों के साथ ही सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ ही बच्चे क्या है, अपने बीटेक में जो फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, उनमें क्या उनके बैक पेपर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो कुछ सब्जेक्ट्स में क्या फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यार देखो, ये सिर्फ कुछ ही बच्चों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो देखो, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। देखो, एक होता है इंग्लिश में बिल्कुल भी ना लिख पाना, एक होता है कि भाई थोड़ा बहुत लिख लेना। तो एटलीस्ट यार तुमको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, उसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे तुम क्या है आगे अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकूँ। तो यार तुमको एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि भाई इंग्लिश कितना आना जरूरी है और किस तरीके से आना जरूरी है और कैसे तुमको इम्प्रूव करना है। तो यार इसके रिगार्डिंग तुमको अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपनी जेई की प्रिपरेशन को और स्मूथ बनाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलता हो, जिससे कि तुमको सारे वीडियो मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।